मुद्दे उठाइए, मेरी बात समझ लीजिए, आप अपने देश के मुद्दे उठाइए, खाते इस देश में हो आप। भाजपा नेताओं का काम इस तरीके का है, भाजपा नेताओं को समझाने का काम आपका भी है। इन लोगों ने ही सरकारें गिराने का चलन चलाया था महाराष्ट्र में भी, ठीक है। अब ये इतना गिर गए हैं, इनकी सरकारें गिर रही हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। एक देश का नया युवा मुख्यमंत्री बन रहा है, आपको तकलीफ क्या है? आप तकलीफ बताइए, अपनी समस्या बताइए। आपको ज्यादा तकलीफ लग रही है? मुझे 2019 में प्रधानमंत्री को बनाने में मेरा सहयोग, मेरे परिवार का सहयोग है, और सवाल भी लाख बार करूंगी, तुम कौन होते हो मुझसे बोलने वाले? भाई हम कोई नहीं होते, बस तो मत बोलिए। बेटियों को सरे बाजार में एक बंदा गाली दे रहा है, वो मुद्दे उठाओ ना। एक सांसद होकर के गौतम बुद्ध नगर का एसीपी को उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहा है, वो मुद्दे उठाओ। 74 साल का एक हमारे देश का प्रधानमंत्री कुर्सी से इतना मोह कर रहा, नए युवाओं को मौका दीजिए। एक हमारा युवा 19 साल से 25 साल में रिटायर होने को ये बैठा रहे हैं फौज में। अभी जो है बिहार में जो भाजपा की सरकार है उसको तोड़ करके जो है अभी आपकी सरकार बन रही है। जैसे आप बोओगे वैसे ही काटोगे ना, जो फसल आपने बोई है वैसे ही कटोगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो नीति है सरकार गिरा करके विधायक खरीद फरस्त जो ये लोग करते हैं, अब इन पे उल्टा वही भारी पड़ गया। तो गिरे हुए लोग इतना गिर गए कि उनकी सरकार गिर गई, तो इसमें मेरी खता क्या है, मेरी पार्टी की खता क्या है इसमें? आपकी पार्टी का समर्थन है तो खता तो देखे, गिरे हुए लोग खुद गिर गए, इतना गिर गए वो नेता खरीद खरीद करके, विधायक खरीद खरीद करके, इतना गिर गए कि अब उनकी सरकारें गिरने लगी हैं। अब जब जनता जो है बिहार में 2006 में मंडी खत्म कर दी थी, वहां के लोगों की हालत कितनी खराब है सबको पता है। इतने दिन से वहां पर नीतीश सरकार है, तब उन्होंने क्या किया, ठीक, बिहार में क्या हो रहा सबको पता है। तो अभी वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? और इसमें कोई गुनाह है कि मेरी जो पार्टी है सपोर्ट कर रही है? अच्छी बात है कि युवा जोश मुख्यमंत्री बन है वहां पे, अच्छी बात है, बदलाव चाहिए पूरे देश में चाहिए, अभी तो सिर्फ बिहार की बारी है, अभी तो पूरी पारी खाली पड़ी है। 2024 के जो चुनाव में कौन कहता है कि मोदी जी ही सिर्फ चेहरा है, क्यों नहीं है? हमारे पास युवा नेता है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, सचिन पायलट है, तमाम ऐसे नेता है जो बहुत सारे चेहरे हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और उनके पूर्वजों ने बहुत कुछ किया। ये सिर्फ एक माइंड सेट तुम्हारा करा जा रहा हो, जो तुम अच्छे से कर रहे हो। एक पत्रकार होकर के तुम अपना माइंड सेट इस तरीके से कर रहे हो, तुम्हारा काम है लोगों को जागरूक करने का, ना कि जो उनकी बोली हुई बात है सिर्फ उसको दिमाग में सेट करने का। तो आप इससे दिमाग में सेट मत करिए, सेट करने का जो काम है ये सरकार का है, जो वो बखूबी निभा रही है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी तो आप उनकी निभा रहे हो। नीतीश कुमार जो है पहले भी आपके साथ सरकार बना चुके हैं, राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर, पहले भी वो छोड़ कर गए थे भाई इन्होंने जो है घोटाला किया है, राजद घोटाला कर रहा है, कांग्रेस के साथ हमारी नहीं बन पाएगी, फिर से वो आपके साथ आए हैं, तो कैसे भरोसा किया जाए? अब मेरी बात सुनिए, इतने दिनों से वहां पे सरकार थी, जब इन्होंने क्या किया, जब हम किसी एक समूह में बंध जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है कि हम समूह के हिसाब से चले। कुआरी छोरी में और बिहाई भरी में बहुत फर्क हो, बिहाई भरी रहे दो परिवारों की इज्जत समझ का सम्मान करती है, करती है क्या नहीं, और वैसी कुआरी छोरी है तो उसे अपने माइंड से चलना, अपने परिवार के माइंड से चलना। तो एक संगठन, एक समूह बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसी के आधार पर आप इसको देखिए। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अभी 24 का भी चुनाव आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई जो नीतीश कुमार है वो पीएम मटेरियल है, तो क्या कांग्रेस उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है? देखिए, ये पार्टी के बड़े नेताओं का मतलब है, ये उस बैठक में ये सब चीजें होते हैं, ये बड़े नेताओं का हमारा वो है निर्णय, जो भी होगा हम अपनी पार्टी के साथ अच्छे लोगों के साथ में जुड़े रहेंगे, ये हमारा काम है। इसका नेतृत्व कौन करता है, क्या कौन करता है, वो जाने हमारी पार्टी के बड़े लीडरशिप जो है, ठीक है। हमारा काम है लोगों को जागरूक करने का, हमारा काम है अपने संगठन को मजबूती देने का, हमारा काम है अपने नेताओं को सपोर्ट करने का। हमारा काम ये नहीं है कि हम महिलाओं के साथ में गाली गलौज करें, हम अपने देश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ करें, हम अपने किसान मजदूरों के साथ में खिलवाड़ करें, हम व्यापारी लोगों के साथ में खिलवाड़ करें, हमारा ये काम नहीं है, ठीक। जिस तरीके से आप खड़े हो नोएडा में, जो यहाँ पे हो रहा है अभी पिछले 8 दिन की जो प्रतिक्रिया है, एक सांसद जो है नोएडा के इतने फेमस, इतने जो है 2 बार के वो सांसद रहे हैं, वो हमारे पुलिस अधिकारी को किस भाषा में बात करते हैं, एक बड़ा नेता, एक जिसके चेहरे सबके साथ में दिए जाते हैं, फिर सरकार पल्ले झाड़ लेती है, वो एक महिला के साथ में किस तरीके का व्यवहार करते हैं वो पूरा देश देख रहा है। ये उनके हिस्से का काम है, हमारे हिस्से का काम है कि हम आप सबकी आवाज बुलंद करें। बिहार के कहते हैं कि अगर बिहार में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। देखिए, आप ये वाली बात बताइए कि हमारे देश की राजनीति से और हमारे देश के बहुत मुद्दे हैं, आप ऐसे देश को मुद्दों को उठाते ही क्यों हो, जिस देश से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, जिस देश का कोई वजूद नहीं है, आप क्यों इसमें इन मुद्दों को उठाते हो? इसका मतलब आप जो सपोर्ट करते हो तभी तो आप मुद्दे उठा, अपने देश में मुद्दे कम है क्या? युवा बेरोजगार इतना पड़ा, उसके मुद्दे उठाओ ना। बेटियों के इतने बलात्कार हो रहे हैं, उनके मुद्दे उठाओ ना। बेटियों को सरे बाजार में एक बंदा गाली दे रहा है, वो मुद्दे उठाओ ना। एक सांसद होकर के गौतम बुद्ध नगर का एसीपी को उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहा है, वो मुद्दे उठाओ। आप ऐसे देश की बात करते क्यों, जिस देश से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेना देना नहीं, अपने देश का पासन भी नहीं है वो देश, तो आप क्यों बात करते हो? अपने देश के मुद्दे उठाइए, आप अपने देश के मुद्दे उठाइए, मेरी बात समझ लीजिए, आप अपने देश के मुद्दे उठाइए, खाते इस देश में हो आप, कमाते इस देश में हो आप, तो आप अपने देश के मुद्दे उठाइए।
खाने जा रहे हो तुम, वहाँ कमाने जा रहे हो। नेताओं को समझाइए ना, तो भाजपा नेताओं का काम इस तरीके का है, भाजपा नेताओं को समझाने का काम आपका भी है, सिर्फ मेरा ही नहीं है। गुलाम जी सवाल ये है कि अब बिहार से जो है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन गई है। सुन लीजिए जितनी हालत खराब है, सुन लीजिए, पूरा लूट करके बिहार इन्होंने खाया है, उसको लूटे हुए को संभलने में बहुत समय लगता है, तो जितनी ज्यादा कोशिश होगी सुधार आ जाएगा, उसमें परिवर्तन करा जाएगा। जो जेल में भी रह चुका है उसके साथ अब गठबंधन कर रहे हैं। इन्होंने क्यों सरकार चलवाई, इन्होंने क्यों वाहवाही लूटी, क्यों नहीं इन्होंने जेल में डाला किसी को, क्यों नहीं इन्होंने मुकदमे करे, क्यों नहीं इन्होंने ईडी भेजी थी वहाँ पे सिर्फ चुप रहने के लिए। तो मतलब माना जाए कि फिर से जंगल राज कायम करेंगे बिहार में। देखिए, ये आप मुद्दे से भटका रहे हैं, एक देश का नया युवा मुख्यमंत्री बन रहा है, आपको तकलीफ क्या है? आप तकलीफ बताइए, अपनी समस्या बताइए। आपको ज्यादा तकलीफ लग रही है मुझे? नहीं, आपको ज्यादा तकलीफ लग रही है? जिन्होंने हमारे देश को इतना लूट करके खा लिया, सारी संस्थाएं बेच दी, आप उनके लिए कुछ नहीं बोलते हैं? ठीक है, जो गलत है, एक कानूनी प्रतिक्रिया हमारे यहाँ बनाई गई है, कोर्ट है, एक हमारे यहाँ संविधान है, आप उस संविधान का इस्तेमाल करिए, जो गलत है आप उसको गलत कीजिए, आप मुकदमे करिए, FIR कीजिए, आप कोर्ट में मुकदमे चलाइए। तीसरे नंबर ही पार्टी है जदयू बिहार में, क्या लाचारी है उनको सीएम बनाने की? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, अभी ये सारे के सारे 74 साल का एक हमारे देश का प्रधानमंत्री कुर्सी से इतना मोह कर रहा, नए युवाओं को मौका दीजिए। एक हमारा युवा 19 साल से 25 साल में रिटायर होने को ये बैठा रहे हैं फौज में, लेकिन ये कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, तो अच्छी बात है, युवाओं को मौका दीजिए, युवा पढ़ा लिखा हमारे देश का, किसान का बालक पढ़ा लिखा है, तो उनको भी आगे आने दीजिए। अब कैसे कब्र में पै जाएंगे जब छोड़ो कुर्सी ना? इतना युवा है कि मुहर्रम को शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब एक बात बताइए, अभी कभी तो आप कहते हैं कि ये देश चार पिलरों का है, कभी आप इस तरीके की बात करते हैं, तो मुझे लग रहा बीजेपी वाले से ज्यादा तुम ज्यादा खतरनाक हो। सुन लीजिए, तुम ज्यादा खतरनाक हो। देश में तोड़ने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो आप जोड़ने की बात करिए। आप लोकतंत्र देश में, आपको इतनी बात समझ नहीं आती? 1947 में देश आजाद हुआ, आपको पता नहीं है क्या इस बात का? तो आप उस बात को फॉलो करो, आप उस बात को आगे बढ़ाओ। 30-35 रुपए रेलवे वालों के कट रहे हैं, अपने घर की तनख्वाह सुनी दे रहा कोई सा नेता इनमें, ना देश का प्रधानमंत्री दे रहा, ना सूबे का मुख्यमंत्री अपनी तनख्वाह दे रहा, ना गृह मंत्री दे रहा, 30 रुपए रेलवे कट रहे। अच्छी बात है, फिर तो अपना भी खरीद लो, 30-30 रुपए का क्या जा रहा? अच्छी बात, किसने बोला दिक्कत है? आपने बोला होगा दिक्कत है, आपको दिक्कत होगी। ये आप अभी कोई नई चीज नहीं हो रही है, देश में तिरंगा लहराने का जिस दिन से हमारा देश आजाद हुआ उस दिन से ही चलन आ रहा है, चलता हुआ, एक एक भारतीय की सांसों से तिरंगा लहराता है, किसी की मोहताज नहीं है लहराने का तिरंगा। ये आप गलत फहमी दिमाग से निकाल देना कि उस तिरंगे को आप लहरवा रहे हो या आप लहरवा रहे हो या आप लहरवा रहे हो, भारतीय की सांसों से तिरंगा लहरता है। अब क्या करे ये इतने गिर गए कि ये खुद गिर गए, इनकी सरकार गिर गई। सरकार है जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, अगर वहाँ के विधायक भाजपा में शामिल होकर के सरकार बनाते हैं, तब आप ही लोग हैं कि रोना रोते हैं। देखिए, मुद्दों की बात मैं तो उठाऊंगी, अगर आपको तकलीफ है तो करिए। सुनिए, इन लोगों ने ही तोड़ का और जोड़ का चलन चलाया था, इन लोगों ने ही सरकारें गिराने का चलन चलाया था महाराष्ट्र में भी, ठीक है। अब ये इतना गिर गए हैं, अब ये इतना गिर गए कि इनकी सरकारें गिर रही हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। इनकी नेताओं की तरह हमारे नेता ने खरीद बेच विधायक तो नहीं कहा, नहीं करा ना, वो अपनी मर्जी से आकर के सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं करा ना, खरीद बेच का तो नहीं करा ना, जैसे विधायक खरीदे बेचे गए ऐसे नहीं करा ना, बोली तो नहीं लगाई ना हमारे नेताओं ने। हमें इस बात का गर्व है कि खरीदने बेचने वाला सिस्टम हमारी पार्टी में नहीं होता, हमें इस बात का गर्व है कि खरीद बेच का सिस्टम हमारी पार्टी में नहीं है, लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्या पता खरीदा हो आपको, कैसे आपको पता? आप इसका मतलब वहां से बीच में से आए क्या उठ करके? आपको पता है आप बीच में से आए उठ करके? जिस तरीके से इनके नेताओं ने खरीद बेच का सिस्टम चलाया था पूरे मीडिया में पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लाखों वीडियो पड़े हुए, चेक कीजिए। अच्छा होगा कि यहाँ टाइम वेस्ट करने से बेहतर 5 मिनट आप यूट्यूब पर दें। तो सभी देते हैं सफाई, देंगे सफाई, एक अलग चीज होती है, चीजें निकल करके आती है अलग चीज। और हम सवाल करेंगे भाजपा से लाख बार करेंगे, पार्टी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, हमने वोट दिया 2019 में, और हक से सवाल करती हूँ और करती रहूंगी। वोट मैंने बेच करके नहीं दिया, अपनी मर्जी से दिया था वोट 2019 में, प्रधानमंत्री को बनाने में मेरा सहयोग, मेरे परिवार का सहयोग है, और सवाल भी लाख बार करूंगी। तुम कौन होते हो मुझसे बोलने वाले भाई? हम कोई नहीं होते। बस तो मत बोलिए, राइट है मेरे पास, वोट भी दिया मैंने, और वोट ना भी देती तब भी पूछती, और मेरे परिवार ने पूरा सहयोग करा था 19 में।
इन्होंने जो वाहवाही लूटी थी ना लोकसभा चुनाव में 2019 के, उसके तहत सब लोगों ने इन्हें सपोर्ट करा था। देश के प्रधानमंत्री, अकेले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, लाख बार सवाल करूंगी जो जो करना कर लेना। अच्छा, ऐसा देखा जाता है जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में आ जाता है, या जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं होती वहाँ हिंदू को मुद्दा बनाया जाता है खतरा करेगा। देखिए, तो बिहार का हिंदू खतरे में आ गया। मेरा एक मानना है न हिंदू खतरे में है न मुस्लिम खतरे में। 2014 से पहले के रिकॉर्ड उठाओ ना आप, अब क्यों नहीं बात करते मुद्दों पे? 2014 से पहले के रिकॉर्ड उठाइए। देश का एक राष्ट्रपति जो था मुस्लिम समुदाय से थे, और जो प्रधानमंत्री थे वो सिख थे, और आज हमारे प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति भी सभी सनातनियों, और फिर ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में। तो मान लीजिए कि जितने भी ये नेता, इनका मंत्रिमंडल, भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब इनके पास की कुछ नहीं है। तुम्हारे होते सोते गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते सोते, और आप कह रहे हो कि हिंदू खतरे में, तो कितने शर्म की बात है। कुछ करना बस की नहीं क्या इनके? क्या नीतीश कुमार को आप जो है 2024 के इलेक्शन में देखना चाहेंगे, उनको प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं? देखिए, जब 2024 के चुनाव आएंगे उसके तहत हम देखेंगे कि हमारे संगठन में किसकी सहमति बनी है प्रधानमंत्री के लिए, तो मैं उनको सपोर्ट करूंगी। मेरा काम, मेरा काम है, बिल्कुल बनाएंगे। वर्ल्ड का 7वें नंबर का पढ़ा लिखा नेता, कोई से नेता की इतनी औकात नहीं है सत्ताधारी के कि बैठ करके राहुल गांधी से 4 सवाल कर ले नजरे चुराने के लिए। अब लोगों का, अरे लोगों का काम है। संबित पात्रा ने क्यों नहीं एक खुले मंच पर यह बोला कि मैं राहुल गांधी से डिबेट करूंगा, सवाल करूंगा? राहुल गांधी जी ने लाख बार बोला कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक बैठ जाए मेरे सामने, क्यों नहीं बैठते, क्यों डर लगता है? दिमाग को ठीक रखो, यही तुम्हारी गलती गलतफहमी है। अब सोना निकाल, देखिए, अब मैंने बोल दिया, जैसे ये 15 लाख रुपए बांट रहे थे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पटाओ का नारा प्रधानमंत्री देते हैं, उसी चीज का वो तो। अच्छा, हमारे नेता की तो आप गलती बता देते हैं, और इनकी जगह देते हैं जवान फिसली है। अरे ये खुद फिसले हुए, गिरे हुए आदमी गिरते ही और फिसलते ही। किसने बोला, किसने बोला, किसने बोला? ये अमित शाह जो है उनकी नीति है, हम लाख बार महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में, हम महंगाई। ओहो, अब इन्होंने, अब इन्हें तो मुद्दे बनाने, इन्हें तो प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने भी राम मंदिर में सहयोग करा, इसलिए दिमाग अपना ठीक रखो। और सुनिए, मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हूँ, समझ? हाँ दियो। और मंदिरों में जाती हूँ, देती हूँ, तो गाती नहीं हूँ इनकी तरह इतने बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगाती कि मैंने ये दिया मैंने वो दिया। दान किसको बोलते हैं? इस हाथ को दो, इसको नहीं पता। कांग्रेस को तो राम विरोधी बता रहे। मैंने बताया मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। किसी भी नेता से मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ और सनातन धर्म से हूँ। आपकी पार्टी नहीं मानती हो तो कहती है राम काल्पनिक है। देखिए, भगवान राम जो है, जो हमारे भगवान राम है, उनका फोटो देखो कितना खूबसूरत है। इंसान अगर देखे तो मोहित हो जाए। और जो भारतीय जनता पार्टी वालों ने राम बना रखे हैं, उनका फोटो भी आप देख लेना, हनुमान जी हैं उनका भी देख लेना, और हमारे हनुमान जी जो है वो भी देख लेना, उनके फोटो से ही आपको, आप मोहित हो जाएंगे इस तरीके के हमारे भगवान राम है। तो ये राम के, भारत पहला देश है जो ये लोग गाय माता के नाम पे, राम के नाम पे वोट लेते हैं, ये विकास के नाम पर नहीं लेते। इनकी हैसियत नहीं है कि विकास के नाम पे वोट ले। अरे प्रधानमंत्री के नाम पे लोग वोट देते हैं, तो रामों को छोड़ दीजिए। तो फिर मुद्दे ऐसे क्यों उठाते हैं, फिर क्यों मुद्दे ऐसे उठाते हैं, क्यों उठाते हैं कि क्यों कहते हैं सनातनी खतरे में? 80% की आबादी सनातनियों की है, खतरे में हो जाएगी क्या? खतरे में किसने डाल दिया? अब 2014 के बाद ये आए तो इनसे सवाल करेंगे। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नहीं है जो उनसे पूछा जाएगा, इनसे पूछा जाएगा, सरकार इनकी है, मीडिया नतमस्तक इनके सामने है, लाख सवाल करेंगे इनसे। बीजेपी के चालक अमित शाह का दिमाग क्यों नहीं चला बिहार में? जब लोग ज्यादा गिर जाते हैं, गिरने का और उठने का चलन किसने चलाया? इन लोगों ने, अभी इन लोगों ने चलाया, लोगों ने इनको गिरा दिया, मैं क्या करूं? सरकार गिरा दी इनकी, या मैं कोई गुनाह मेरा? अच्छी बात है, लोगों को समझ आ रहा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है। आपके विधायकों ने, देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे नेताओं ने, मेरे विधायक ने बेचना खरीदना नहीं चलाया, जैसे इन्होंने चलाया, लाखों वीडियो वायरल हुई आपने देखी।